और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले कर लेते हैं हिजाब विवाद की। तो हिजाब पर विवाद बढ़ता जा रहा है, विवाद की गूंज कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया तो लुधियाना में आज हिजाब मार्च निकाला जाएगा। कोलकाता से लेकर अलीगढ़ तक और चेन्नई से लेकर मालेगांव तक हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनावी माहौल में विवाद में घी डालने का काम कर रही है सियासत। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सियासत का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिससे हिजाब पर हंगामा खड़ा हो गया है। ये तस्वीर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां धार्मिक संस्थान के बाहर धार्मिक नारे लग रहे हैं। यहां प्रदर्शन के लिए महिलाओं को लाया गया। तेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कैंपस के अंदर बने कायदे कानून पर छात्राएं कुछ बोलने से कतराती दिखी। कैंपस के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए होता है, तो फिर किसी एक को हिजाब पहनना या अगले को कुछ और पहनने की अनुमति देना, ये काम? एक मिनट जी मैम, मैम हमारे इस सवाल का जवाब इस सवाल आप बैठ, आपने बहुत कर लिया, प्लीज अब समझे। आप नहीं किस बात या तो ऑफिसर कैन नॉट इंटरवीन दैट। सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो हमारा राइट है उस पर हमारे राइट को गलत ना कहा जाए और ना हमारा राइट हमसे छीना जाए। ये हमारा राइट है कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं और क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे हुकूक की है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं और हम उसी लड़की की सॉलिडेरिटी में और पूरी तमाम लड़कियां जो हिजाब के लिए वहाँ पे लड़ रही है हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और सिर्फ उनके साथ में नहीं, इस देश में जो भी लड़की आकर ये कहेगी कि मुझे ये करना है और हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं। महिलाओं को आगे कर प्रदर्शन निकाला गया। अब देखिए मध्य प्रदेश के सतना का हाल। यहाँ हिजाब की लड़ाई बुरके पर आ गई। एक छात्रा परीक्षा में बुरका पहनकर पहुंची तो हिंदूवादी संगठनों ने एतराज जता दिया। कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर बुरके में अंदर प्रवेश कर रही थी। मैंने माननीय प्रचार महोदय वहाँ पर उपस्थित कॉलेज स्टाफ से इसका विरोध दर्ज कराया कि यूं किसी एक धर्म के लिए महाविद्यालय परिसर में ऐसी छूट और ऐसी प्रक्रियाएं नहीं दी जा सकती हैं। अगर इस सब विषयों पर रोक नहीं लगती है तो हम पूरे कॉलेज को भगवामय करेंगे, हम सब भी भगवामय आएंगे। छात्रों को मोहरा बनाकर आगे करने की राजनीति सिर्फ अलीगढ़ या सतना की नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं वामपंथी दल तो कहीं मुस्लिम संगठन हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ना तो बीजेपी सरकार है और ना ही हिजाब पर प्रतिबंध, लेकिन मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया। मालेगांव में जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाया और महिलाओं को बताया कि ये अल्लाह का आदेश है कि उन्हें हिजाब और बुरका पहनना चाहिए। मालेगांव जमीयत उलेमा की तरफ से मालेगांव की ख्वातीन को, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख्वातीन को, हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आपका हिजाब में रहना और आपका पर्दा करना ये आपका संवैधानिक हक है। हमारे मुल्क के दस्तूर, संविधान, कानून, आईन ने इस बात का आपको हक दिया है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक जो पहनना चाहें पहने, जो खाना चाहें खाएं, जो पीना चाहें पिएं। कभी सियासत चमकाने के लिए तो कभी धर्म की ठेकेदारी के लिए हिजाब विवाद भड़काया जा रहा है। चुनावी राज्य यूपी में AIMIM अध्यक्ष ने सहारनपुर के नकुर से हिजाब का फिर समर्थन किया तो दिल्ली से गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड की मांग कर दी। नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप, ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। अरे भाई देखिए, जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल, अच्छा शॉल पहनना है, पहनो शॉल, आप क्या पहन रहे शॉल आप? वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया?
क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पर टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते, आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहाँ पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे, और ये लोग जान बूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज, इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। इस बयानबाजी और विवाद का नतीजा ये रहा कि विवाद वहां भी पहुंच रहा है जहां कोई विवाद नहीं था। दो कांग्रेस शासित राज्यों में हिजाब विवाद की गूंज सुनाई दी। तस्वीरें जयपुर ग्रामीण की हैं, जहां चाकसू इलाके में एक कॉलेज में यूनिफॉर्म में आने को कहा गया तो बुर्का पहने छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आज पंजाब के लुधियाना में भी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालने का ऐलान किया गया। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस पर वार कर रही है बीजेपी। सारा मुसलमान जो देश है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक कंट्री है, ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। कोई लोग बोलता है हिजाब नहीं पहनना सही है, लेकिन हमारा राहुल गांधी प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग हिजाब पहनो, लेकिन एक भी आप उनका वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां में वो बोल रहा है भाई आप लोग पढ़ो। चार पाँच महीना पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान को निगल लिया, और वो जो तालिबानी जो बुर्का होता है या हिजाब कहते हैं, वही व्यवस्था आज इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है, और दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी उसको समर्थन दे रही हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने हिजाब का समर्थन किया था, जिस पर प्रहार हो रहा है। वहीं राहुल गांधी सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वे साड़ी पहनना चाहे, वे जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। I'm not going to get into a conversation that is going to distract the people of Goa. I'm not interested in doing that. I've come here with a clear mission. My mission is to focus on what is important for the people of Goa. यानी राजनीति में अपनी सुविधा के मुताबिक ही बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। शिक्षा के संस्थान में जहां सब बराबर होते हैं, वहां धार्मिक पोशाकों का क्या काम? ABP News आपको रखे आगे।